Good morning, students. In my previous video, we have discussed what is electromagnetic spectrum. And before that, we have already introduced the concept of electromagnetic waves, its production and characteristic features. Now, today, we are not taking any new topic, but we will discuss conceptual problems on the basis of content of electromagnetic wave unit. So let me discuss first conceptual problem. How does oscillating charge produce EM waves? See, oscillating charge, it means, if you remember that in LC oscillator, electric charge is oscillating between plates of capacitor. So how it is producing EM? Basically, what happened that oscillating charge produce oscillating electric field, and which in turn producing oscillating magnetic field. सो जो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जो फर्दर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं तो हम यहाँ क्या दे रहे हैं हम उसको सिंपली हम यही कहते हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं वेव्स क्योंकि वो एक्सेलरेट हो जाते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि उस ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और हेंस यू कैन से कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है इसी क्वेश्चन में एक और सेकेंड पार्ट मैंने पूछा है हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव प्रोड्यूस टू दैट ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज देखिए अगर कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ही फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज नाउ वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब हम यहां पर दो तीन क्वेश्चंस में देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन का फ्रेमवर्क कैसा होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट दैट शुड बी क्लियर टू यू सो दैट यू कम टू द कंक्लूजन नाउ हियर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्वेश्चन स्केच अ स्कीमेटिक डायग्राम depicting oscillating electric and magnetic field of an EM wave propagating along z axis see ki hame oscillating or electric and magnetic field ko draw karna hai diagram mein jisme EM wave propagate kar rahi hai along z axis so what is the source of energy of EM wave अब यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ईएम वेव की उसका बेसिक सोर्स क्या है तो सबसे पहले अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो सोर्स क्या है एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है क्योंकि ईएम वेव जहाँ जनरेट होती है इसका मतलब ईएम वेव का जो प्रोडक्शन सोर्स है वही एनर्जी का सोर्स भी है इसका मतलब एक ऑसिलेटिंग चार्ज कह सकते हो या फिर एक एक्सीलरेटिंग चार्ज कह सकते हो अब आता है डायग्राम देखिए जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था तब यूजली हम वहां पर एक्स एक्सिस लेकर चलते हैं लेकिन ईएम वेव किसी भी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर सकती है तो हमें मेनली उस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो इन्होंने स्टेटमेंट में गिवन है इट इज प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस अब ये जेड एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वी नो दैट ई क्रॉस बी गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ ये हमने एक्स लिया हुआ है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहां पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा लेकिन ये ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं अगर आप इसको बी और इसको ई लिख देते हैं तो भी सेम ही रिजल्ट है इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग हो या फिर ये एक्स एक्सिस के अलोंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन ईएम वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी वेलोसिटी क्या गिवन है वी इज इक्वल टू बी आई कैप ये क्या डेटा देता है इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी आई हो गया ना वी आई आई कैप क्या देता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि वी स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ड्रॉ अ स्केच शोइंग द प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो अब इतनी स्टेटमेंट पढ़ के हमें क्या आइडिया हो गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
सॉरी अगर ईएम वेव की प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस में है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाई एंड जेड एक्सिस में होंगे या फिर जेड एंड वाई एक्सिस में होंगे। यहाँ देख सकते हो एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन, तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, जेड एक्सिस में हो जाएगा। अप्लाइंग द सेम रिजल्ट एज यू हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम राइट। एक और क्वेश्चन पूछा है इन्होंने सेकेंड पार्ट में, हाउ आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ ईएम वेव से कैसे रिलेटेड होता है, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो ये हो जाता है ई नॉट अपॉन बी नॉट और ई अपॉन बी इक्वल टू सी, क्योंकि ई नॉट बी नॉट हम लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दीज आर द मैक्सिमम पीक्स की बात करते हैं, इसीलिए हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद सर्टेन स्पीड, सो इट मीन्स बट यू कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन सस्टेन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन होता है, क्योंकि वहां पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है और वो टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ऑसिलेट कर रहे हैं। सो चार्ज एक्वायर, जब चार्ज मोशन में है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी भी होगी, मोमेंटम भी होगा, एंड हेंस इट एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ओवर विच इट इज हिट। इट मींस अगर कोई भी रेडिएशन, ये ईएम वेव किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो हिट करने के बाद क्या होता है, वो मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं, तभी हम इसे कहते हैं कि दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस टाइम जो मैंने लिया हुआ है दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन क्वेश्चंस को करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, पहले उस स्पेक्ट्रम की पूरी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की जो मैंने आपको सीरीज दी थी, सीक्वेंस टेबल दिया था, वो आपको लर्न होनी चाहिए। एज पर दिस टेबल यू हैव टू लर्न द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कि किस ऑर्डर में ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और फिर उसका प्रोडक्शन सोर्स, एंड फाइनली इन सभी वेव्स का आपको क्या पता होना चाहिए, यूजेस। अब किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इनके ऊपर, ये एज अ सैम्पल मैंने कवर किए हैं इन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कशंस में, सो लेट वी डिस्कस इट। नाउ अरेंज द फॉलोइंग ईएम वेव इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वॉट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, देखिए यहाँ पर हमें वेवलेंथ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें उस ऑर्डर को याद रखना होगा कि किस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और किस ऑर्डर में वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। फोर वेव्स गिवन है। इसको कराने से पहले मैं एक पॉइंट बता रही हूँ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि सबसे पहले हमें वेव्स को सीक्वेंस में याद करना होगा, आर एम आई वी यू एक्स जी, आर फॉर रेडियो, एम फॉर माइक्रो, आई फॉर इंफ्रा, वी फॉर विजिबल, यू फॉर अल्ट्रा एक्सरेज एंड गामा रेज। जब हम इस ऑर्डर में जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब हमें इसके अकॉर्डिंगली हमें गिवन वेव्स को एज पर दिस अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब गामा से रेडियो वेव्स की तरफ आते हुए वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो अब इसके लिए आप उन गिवन वेव्स को देखिए, यहाँ जो हमारे पास गिवन है पहले है गामा, तो अब यहाँ पिक्चर में देख इधर देखिए जो मैंने कोड बनाया है, ये आप भी अपना नोट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की। फिर गिवन क्वेश्चन में माइक्रो, एक्स रेज एंड रेडियो। अब माइक्रो और एक्स रेज में पहले एक्स रे की होगी, फिर माइक्रो की होगी और फिर रेडियो वेव्स की होगी। तो यहाँ देखिए पहले गामा, फिर एक्स रेज, फिर माइक्रो, फिर रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लिए ऑर्डर रिटेन करना होगा, राइट। अब ये क्वेश्चन मान लो आपके साथ है और आपको ये कह दें कि हर वेव की एक एक एप्लीकेशन दे दो, तो साथ में आपका ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। यानी ये क्वेश्चन टोटली लर्निंग बेस्ड है, तो यू मस्ट लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट। नेक्स्ट, व्हाट रोल इंफ्रारेड रेडिएशन प्ले इन, अब मेंटेनिंग अर्थ वार्म एंड फिजिकल थेरेपी। यानी इंफ्रारेड रेडिएशन हम इसकी एप्लीकेशन में यूजेस में हमें बताया था कि ये अर्थ की वार्मथ को मेंटेन करता है और फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अब क्यों प्ले करता है ऐसा, तो बेसिकली देखिए
कि अगर हम अर्थ की वार्मथ के लिए बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस और एब्जॉर्ब होने के बाद वापस एमिट होते हैं री रेडिएटेड एज द लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड वेव्स. अब ये दीज रेडिएशंस आर ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेंस मेंटेन अर्थ. ये बेसिक क्वेश्चन है, आप जूनियर क्लासेस में साइंस में पढ़ते आते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देता है जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर वार्मथ बनी रहती है. अब फिजिकल थेरेपी में क्या होता है, फिजिकल थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस आर इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी. अब जब थेरेपी करते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट है वो क्या करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है. अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देयर थर्मल मोशन इंक्रीजेस, बॉडी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से हीटिंग शुरू हो जाती है एंड हेंस दैट इज यूजफुल फॉर द थेरेपी. नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ लाई इन द रेंज 10^-10 meter एंड गिव इट्स यूज ऑल्सो. सो देखिए ये जो रेंज है वेवलेंथ की दैट इज 10^-10 meter. अब अगर हम देखें इसके लिए आपको वही टेबल आपको लर्न होनी चाहिए और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू एक्स रेज की आती है जिसकी रेंज होती है 10^-9 meter to 10^-12 meter जो हम यूजली नैनोमीटर में दी हुई होती है. तो एक्स रेज विल बी देयर. अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो कोई भी एक यूज दे सकते हो. इट इज़ यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इट इज़ यूज इन थेरेपीज, इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स, इन साइंटिफिक रिसर्च, इन सर्जरीज और इन इंजीनियरिंग, एनी वेयर दिस कैन बी यूज. सो यू हैव टू लर्न ऑल इट्स यूजेस. हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड एंड राइट इट्स एनी यूज. देखिए इंफ्रारेड वेव्स जो हमारी प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली ये प्रोडक्शन सोर्स भी मैंने आपको नोट करवाया था, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स. सो डायरेक्टली वही प्रोडक्शन सोर्स आपको लिखना है और उसके बाद कोई भी एक यूज दे सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस का आप इसका. नेक्स्ट, विच सेगमेंट ऑफ ईएम वेव हैज हायर फ्रीक्वेंसी एंड हाउ आर दीज वेव्स प्रोड्यूस्ड. अब ईएम वेव्स की हमारे पास स्पेक्ट्रम में हमने 7 वेव्स डिफाइन की है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी. सबसे वेवलेंथ कम किसकी है, गामा रेडिएशंस की. तो गामा रेज विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी. और ये कैसे प्रोड्यूस होती है गामा रेडिएशंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में आता है दैट इज बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में दीज गामा रेडिएशंस आर एमिटेड. और कहाँ यूज होती हैं, दिस कैन बी यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स एंड मेनी डिफरेंट प्लेसेस इट कैन बी यूज्ड. नाउ सो हियर अब मेन पॉइंट आपको जो याद रखना था, देखिए अगर आपको ये सेगमेंट ये वेव अगर ध्यान नहीं आएगी ना तो आप इसका प्रोडक्शन सोर्स दे सकते हैं और अगर यूज पूछा है तो वो भी नहीं दे सकते. तो अगर तीनों पॉइंट पूछे हैं तो 3 mark में क्वेश्चन हो सकता है और 3 में नहीं तो कम से कम 2 mark में या 1.5 mark में तो होगा अगर हाफ ऑफ मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रखे 3 questions का. तो इसीलिए इस वेव लेंथ को हमें लर्न करना जरूरी है. क्वेश्चन, Which EM wave lie near the high frequency end of visible part of EM spectrum? देखिए इस स्टेटमेंट को भी ध्यान से समझना है. सबसे पहले आपको बताना है कि EM waves के high frequency end कौन सा, near the high frequency end of visible part of spectrum, यानी visible light के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट में हमारे पास 7 colors होते हैं. तो उसमें उसकी उस पर्टिकुलर रेंज में हायर फ्रिक्वेंसी एंड पर कौन सी वेव लाई करती है एंड इन व्हाट वे दैट कंपोनेंट ऑफ लाइट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन. अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि हमें ये पॉइंट को कैसे जज करना है. अगेन हम अपनी उसी सीक्वेंस पे आ जाते हैं. देखिए विजिबल लाइट ये है. अब सबसे पहले हमें देखना है विजिबल के अगर 7 colors हैं यहाँ पर तो भी हमें देखना है हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी है, विजिबल से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की. तो उसका क्या दिया हुआ है, दैट हाई फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ विजिबल पार्ट, यानी वो कौन सी होगी, अल्ट्रा वायलेट रेस. अब इन विच व्हाट वे दिस कंपोनेंट ऑफ लाइट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स. अब इससे बेसिकली क्या हो जाता है, अगर यूवी रेडिएशंस के एक्सपोजर में हमारी बॉडी स्किन ज़्यादा रहेगी तो स्किन कैंसर हो जाता है. और बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से होता है, टैनिंग ऑफ स्किन से हो जाता है. तो देयर कैन बी सच काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. अब देखिए
Next question. In this, identify electromagnetic wave whose wavelength vary as. यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर हमें फोर पार्ट्स में वेव्स दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है. अब इसका मतलब हमें वेवलेंथ जब तक रिटेन नहीं होंगी ऑर्डर उनका, तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन ऑफ दोज वैल्यूज यू कैन आइडेंटिफाई. दिस इज फॉर एक्सरे, फॉर बी पार्ट इट इज माइक्रोवेव्स, फॉर सी पार्ट एक्सरेज एंड बी पार्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशंस. ये सिंपल लर्निंग बेस्ड है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव. एक्सप्लेन. ये बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन. बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि इंफ्रा रेड वेव्स में, हमने फिजिकल थेरेपी में भी देखा है कि जो वाटर कंटेंट होता है वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे थर्मल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है. तो इसीलिए यहाँ पर भी हम इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मोस्ट मटेरियल रेडियली एब्जॉर्ब दीज रेडिएशंस और आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर थर्मल मोशन इंक्रीजेस. हैंस मॉलिक्यूल गेट हीटअप. यानी चाहे फिजिकल थेरेपी हो, कहीं पर भी इंफ्रारेड रेडिएशंस का हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो उसमें यही है कि वाटर कंटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा. हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो थर्मल मोशन होगा उन मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से वो हीटअप हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट क्लियरली हाउ अ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स टू हीट अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. माइक्रोवेव ओवन, वी ऑल आर फैमिलियर. अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये फूड आइटम को हीटअप कैसे कर देता है. बेसिकली होता क्या है कि जो भी फूड आइटम है उसमें वाटर कंटेंट होता है. अब माइक्रोवेव में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स है वो किससे मैच कर जाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है. सो दैट एनर्जी फ्रॉम द माइक्रोवेव्स गेट ट्रांसफॉर्म टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेंट एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी रेजेस द टेम्परेचर ऑफ फूड कंटेनिंग वाटर. यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो उसकी वजह से ही थर्मल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाता है. नेक्स्ट, हम माइक्रोवेव की एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि दीज आर यूज्ड इन रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन. अब क्वेश्चन है, व्हाई आर माइक्रोवेव्स फाउंड यूजफुल फॉर रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन. यहाँ देख रहे हो कि हम यूजली जो हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट किया है, हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसके कॉन्सेप्ट हमने वहाँ स्टडी नहीं किए. तो इसीलिए आपके लिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको आइडिया देगा कि किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से कोई पर्टिकुलर रेडिएशन या वेव हम कहाँ पर यूज कर पाते हैं. सेम हेयर इन दिस कॉन्सेप्चुअल. माइक्रोवेव्स बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट वेव लेंथ होती है विद फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू गीगाहर्ट्ज. अब शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से क्या हो जाता है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर एंड लेस डायफ्रेक्शन इन एटमॉस्फेयर लेयर. सो पेनिट्रेशन पावर बढ़ने की वजह से दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम. तो बेसिकली पेनिट्रेट कर जाती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो वहां पर उसको नेविगेट करने में हेल्प करती है. दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड फॉर द रडार सिस्टम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टोटली ही आपका ईएम स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है. आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस. मैंने यहाँ नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज किया है. सबसे पहले देखिए, सो फर्स्ट, सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन. अभी हमने डिस्कस किया है कौन सी वेव सुटेबल होती है इसके लिए, माइक्रोवेव्स. यूज टू ट्रीट मस्कुलर पेन. तो मस्कुलर पेन में क्या एडवाइस किया जाता है, थेरेपी. तो थेरेपी के लिए कौन सी यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस. यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, इसके लिए हम एक्सरेज प्रेफर करते हैं. डायग्नोस्टिक टूल है ना मेडिसिन में, क्योंकि कहीं भी हमें कुछ अंदर डायग्नोस करना है, दैट्स वाई वी यूज एक्सरेज. प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी आपकी एक्सरेज ही प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस. अब रेडियो एक्टिव डिके में क्या होगा, डायरेक्टली हमें पता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में आपके पास गामा रेडिएशन यूज होती है. नेक्स्ट,
used in treatment of certain kinds of certain different form of cancer. तो कैंसर के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? अगेन वी प्रेफर टू यूज गामा रेडिएशन. नेक्स्ट, यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारी माइक्रोवेव यूज होती है. यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर. अब इसके लिए हम यूवी रेडिएशन यूज करते हैं. नेक्स्ट, यूज टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ ऑयल इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस. बेसिकली इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ वेव विल बी यूज्ड, यू हैव स्टडीड इन इट्स एप्लीकेशन, दिस विल बी एक्सलेस. देन फाइनली लास्ट ऑप्शन व्हिच आई हैव बीन गिवन हियर, इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन रनवे ड्यूरिंग फॉग मिस्ट कंडीशन. इसके लिए फॉग एंड मिस्ट के लिए बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन ही प्रेफर की जाती है. अब देखिए इन क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ तो इनकी एप्लीकेशंस पूछी हैं, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए. अरेंज दीज वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड गिव वन मोर एप्लीकेशन ऑफ ईच. तो अब इसमें मैंने इन सभी वेव्स को मैंने एप्लीकेशन के हिसाब से लिखा हुआ है, कौन कौन सी एप्लीकेशन में कौन सी वेव्स हैं. तो अब बताना है कि फर्दर किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो मैंने इनको लैम्डा 1, 2, 3, 4 कोई भी आप नेम कर सकते हैं, या नेम नहीं करते हैं तो इन्हीं के ऑर्डर में कर सकते हैं. तो सबसे पहले किसकी फ्रिक्वेंसी, किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है? गामा रेडिएशंस की. गामा रेडिएशन के बाद किसकी होती है? एक्स रेज की, बढ़ जाती है. एक्स रेज के बाद फिर यूवी रेडिएशंस, देख सकते हैं आप इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यूवी रेडिएशंस. फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट किसकी होगी, अब कौन सी आएगी यूवी रेडिएशंस के बाद? दिस इज वी यू एक्स. ठीक है, यूवी रेडिएशंस विजिबल तो दिखाई नहीं है हमने यहाँ पे, इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स. इसके अकॉर्डिंगली, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमने इनको अरेंज करा है. और एप्लीकेशंस यू कैन राइट एनी एप्लीकेशंस व्हिच यू हैव लर्न अबाउट. 1-2 क्वेश्चंस आर देयर. व्हाई वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स व्हाइल वर्किंग. तो बेसिकली दोज ग्लास गॉगल्स प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड, सो दैट्स व्हाई वेल्डर्स प्रेफर इट. इस तरह से भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं. नेक्स्ट, ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. वाई? क्योंकि ओजोन लेयर की कैपेबिलिटी होती है कि ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हमारे बॉडी के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो ओजोन लेयर्स आर प्रेफर. सो बेटा दीज आर ऑल आई हैव कवर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. ऑल्दो दीज आर नॉट एंडिंग, मेनी मोर कैन बी देयर. नाउ just I have given you hints of all different kinds of questions as well as numericals covered within the small unit of 3 marks. Now what you have to do, you have to give it a practice jo content maine diya hai, aur uske baad you can give much more practice. So if you have any doubt you can ask. So first of all, before going to further, you have to learn all the points of this unit. You can easily attain, you can easily get your marks in this unit because the content is very small. So 3 marks are in your hand. Thank you. Have a nice day.